साथियों नमस्कार। पिछले दो साल से वैश्विक महामारी कोरोना के कहर और घर के अंदर कैद बहुत से दिल्ली वासियों और कई राज्यों के किसानों के लिए इस वर्ष का वसंत कुछ खास हो गया, जब दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 9 से 11 मार्च 2022 के बीच किसान मेले का आयोजन किया। आयोजकों के अनुसार महामारी के चलते मेले का आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों के किसान, साथ ही छात्र, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, यहाँ तक कि दिल्ली और आसपास की गृहणियां, जिन्हें बागवानी और किचन गार्डन में विशेष रुचि है, साथ ही घरेलू उपयोग की कुछ खरीदारी भी की जा सके, इस मेले में शामिल हुई। आइए इसी मेले में आपका अपना लाभकारी खेती को समर्पित वीडियो चैनल डीके काहल ने भी अपना एक स्वतंत्र स्टॉल लगाया था, ताकि इस क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों जैसे किसान, छात्र, डीलर, विस्तार कार्यकर्ता, विक्रीकर्ता, शोधकर्ता, वैज्ञानिकों आदि के साथ सीधे संवाद करके बढ़ती समस्याओं और चुनौतियों को साझा किया जा सके। और सबसे बड़ी विशेषता ये कि लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से कुछ चुने हुए प्रश्नों के लिए तीनों दिन इनाम भी दिया गया, जिसमें सभी लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुछ सामान्य विषयों के बारे में हम इस कड़ी में ही अपने सुझाव साझा करेंगे, जबकि अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो के माध्यम से आगे चर्चा किया जाएगा। मेला क्षेत्र मूल रूप से 3 हॉल ए, बी, डी, सभा स्थल सी और प्रदर्शनी क्षेत्रों में बांटा गया। हॉल ए में ICR संस्थाओं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और कुछ अन्य स्टॉल लगाया गया था। इन्हीं में से एक स्टॉल वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर IRI का था, जहां पानी के नमूनों की मुफ्त जांच की जाती थी। साथ ही यह सुझाव भी दिया गया कि अधिक से अधिक किसान सिंचाई जल का जांच कराएं और उसका समुचित उपचार भी अपनाएं। फल, सब्जी, फूल आदि के उन्नत बीजों के लिए कई कंपनियों ने स्टॉल लगाया था। उन्हीं में से एक स्टॉल था सोमोनी सीड्स का। उनके प्रतिनिधि डॉक्टर PK पंत ने कुछ खास सब्जियों के वैरायटी और उनकी विशेषताओं को बताते हुए कहा कि सोमोनी सीड पिछले 8 सालों से हाइब्रिड सीड्स का नई वैरायटी बनाता है। हम लोगों की खासियत यह है कि हम लोग बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के एक्सेलेंट वैरायटी फार्मर को देते हैं, जिसमें हमारा रेडिस नंबर 1 में आता है। रेडिस हमारा समर में है, जो कि केवल 30 दिन की वैरायटी है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है हाइब्रिड में कैबेज। कैबेज में एक तेज इम्प्रूव्ड है और एक तेज है। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा खुशी कैलीफ्लावर। ये हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि विंटर के अंदर में सबसे लंबी विंडो का क्रॉप है। इसके अलावा हमारे पास में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट गाजर का है। जैविक खेती के बारे में चर्चा करते हुए ज़ाइडेक्स इंडस्ट्रीज के श्री राकेश तंवर ने बताया कि हम लोग ज़ाइडेक्स की तरफ से किसान के साथ हमारे प्रोजेक्ट प्रकल्प संजीवनी के माध्यम से किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडोप्ट करना चाहे और हर प्रकार के केमिकल, हर प्रकार की रासायनिक दवाइयों से मुक्त अगर खेती करना चाहे, प्रकल्प संजीवनी के द्वारा जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत कर सकता है। इनकी कंपनी द्वारा जैविक खेती के लिए किसानों के साथ एग्रीमेंट भी किया जाता है, जिससे किसानों को इस दिशा में प्रोत्साहित किया जा सके या उनकी चिंताओं को कम किया जा सके। फसल सुरक्षा के क्षेत्र में क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी एक जाना माना नाम है। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन द्वारा प्रदर्शित विविध उत्पादों के बारे में श्री पांडे ने बताया कि साथियों, ये जो स्टॉल है ये एक ऐसा स्टॉल है जहाँ पे एग्रोकेमिकल सीड्स और एग्रीकल्चरल मशीनरीज तीनों के बारे में एक साथ जानकारी दी जा रही है। हमारे सब एक्सपर्ट्स आए हुए हैं जो अपने अपने विभाग के बारे में किसानों को जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच भोपाल से आए एक कृषि जीवी श्री शाजी जॉन द्वारा DK का हल के बारे में उनके विचार जानते हैं। मैं भोपाल से आया हूँ, मेरा नाम शाजी जॉन है और यहाँ पे पूसा में कृषि मेला देखने आया तो इत्तेफाक से एक यूट्यूबर जिनका कि मैं अक्सर देखता हूँ DK का हल, तो वो मेरे को मिले यहाँ पे और अच्छा लगा। तो इनके 2-3 वीडियो मेरे को खास लगा। एक तो फसल को टीका लगाने वाले का, जिसका कि मतलब सीड ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, उस सीड ट्रीटमेंट वाले 2-3 जो वीडियो इन्होंने बनाए बहुत अच्छे बनाए थे। एक तो दलहनी फसलों के लिए जो टीका लगाते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बारे में जो बताया उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि विशेष फसलों के साथ भी यदि कोई जानकारी वगैरह ये देना शुरू कर दे। मजदूरों के समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर ये थी कि कई कंपनियों ने फसल पर पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए ड्रोन का प्रदर्शन किया।
इन्हीं में से आयोटिक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के श्री मदन सिंह ने इस ड्रोन की विशेषताओं का जिक्र करते हुए बताया कि ड्रोन में मेजर जो बेनिफिट है फार्मर के लिए, उसका टाइम बचेगा। दूसरा क्या है कि जो उसको स्प्रे 150 लीटर या 200 लीटर पानी में कर रहा है, वो उसको ये 10 लीटर में करनी पड़ेगी, पानी भी वापस सेव होगा, आपका केमिकल भी सेव होगा। निश्चित ही इससे कम समय फसल पर छिड़काव किया जा सकेगा, क्योंकि 7 मिनट में 1 एकड़ खेत का छिड़काव किया जा सकता है। और किसान उत्पादक कंपनी द्वारा इनके उपयोग से आसपास के किसानों को भी सुविधा होगी, साथ ही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को अतिरिक्त लाभ भी मिल सकेगा। इसी कड़ी में गुडविल सीड्स द्वारा चारे के उन्नत बीज के किस्मों का प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर राजेश भाटिया ने बताया कि लेकिन जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो हमारा नंबर काफ़ी पीछे चला जाता है। इसका मुख्य कारण है कि पशु के लिए आज के समय हम अच्छी क्वालिटी के उत्तम गुणवत्ता वाले हरे चारे की उपलब्धता नहीं करवा पाए। गुडविल ने इस बात को समझा कि हम भी विश्व स्तर पर अपनी प्रोडक्टिविटी दूध का उत्पादन प्रति पशु उसको बढ़ाएं। इसके अतिरिक्त हस्तकला, खासकर मधुबनी पेंटिंग, मंडाला पेंटिंग, विभिन्न तरह के जैविक उत्पादों, शहद, स्टीविया आदि से जुड़ी स्टॉल के माध्यम से आगंतुकों को तरह तरह की जानकारी प्राप्त हुई, जिनका उपयोग उनके लिए निश्चित ही लाभकारी होगा। आपके साप्ताहिक वीडियो चैनल डीके का हल से प्रश्न पूछने वाले कुछ इनाम विजेता हैं। आगंतुकों, विशेषकर गांव से आए किसानों की सामान्य चिंता और प्रश्न ये था कि खेती से आमदनी कैसे बढ़ाई जाए या दोगुना कैसे हो, जबकि शहरी लोगों ने खास समस्या ये साझा किया कि उनके किचन गार्डन में उगाए जाने वाले सब्जियों, फलों आदि की वृद्धि ठीक ठाक होती, फूल भी लगता है, लेकिन बाद में उसमें फल या सब्जी नहीं होती। किसान साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो श्रृंखला में दिखाए गए वीडियो को एक एक करके पूरी वीडियो को शुरू से देखें। उसमें बताए गए उपायों को ईमानदारी से अपनाएं। जल्दी ही खेती की लागत में कमी और आय में बढ़ोतरी होगी। जबकि शहर के लोगों को यह जानकर शायद हैरानी होगी कि यहां प्रदूषण के कारण मित्र कीट जैसे तितली, मधुमक्खी, होवरफ्लाई आदि की कमी से फूलों का परागण ठीक से नहीं हो पाता और पौधे प्रजनन अवस्था तक जा ही नहीं पाते। सुझाव ये है कि घरों और आसपास में अधिक से अधिक फूलदार पौधे लगाएं, जहां तक संभव हो चाय की पत्ती या सब्जियों के छिलके आदि से खाद तैयार करें, रसायनों के प्रयोग से बचें। जरा सोचें, अगर खेती में रसायनों का प्रयोग इसी तरह जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गांव से भी मित्र कीट गायब हो जाएंगे, फिर धरती पर लगातार बढ़ रहे आबादी को भोजन कहां से मिलेगा। या यूं कहें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसी विरासत छोड़ना चाहते हैं। समस्या काफी गंभीर है, लेकिन हम सबके प्रयास से जल्दी ही शहरों में भी प्रदूषण कम होगा, फल और सब्जी उग सकेंगे, क्योंकि एक अनुमान ये है कि वर्ष 2050 तक दुनिया की 70% आबादी शहरों में ही रह रही होगी। लाभकारी खेती के लिए डीके का हल द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सभी तरह के लोगों द्वारा खूब सराहा गया और बहुत से लोगों ने तो इससे जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। हम हृदय से आभारी हैं उन सभी लोगों का और निवेदन है आने वाले समय में आप अपना उनका हल आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आवश्यक हुआ तो हम आपसे जुड़कर उनका समाधान भी करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में नए विषयों को भी शामिल किया जा सके।